सुनो, मेरा नाम रोहन है। भला तुस मुझे दसी सकते हो जे तुस कंप्यूटर सना केड़ी केड़ी सेवा दिंदे हो? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम गीता है। ते जिया तुस दिखार दे हो जे मेरे कोल इंटरनेट सुविधा युक्त एक कंप्यूटर है जेदे जरिए मैं बख बख सेवा जिया रेल टिकट दी बुकिंग, बख बख प्रकार दी सूचना जानने च, बिजली ते मोबाइल फोन दे बिलें दे भुगतान, बैंक समा लेन देन, पैन कार्ड, पासपोर्ट दा आवेदन वगैरा वगैरा दी सुविधा हासिल कराई सकनी हां। अच्छा, एदा मतलब मेरे ग्रां आरें की इने कमे दे लई शहर जाने दी लोड नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, जेकर ग्रां च इंटरनेट युग कंप्यूटर सुविधा हासिल है ता ग्रां आलें की इने सुविधाएं की हासिल करने लई शहर जाने दी लोड नहीं है। अच्छा, ए ता बड़ा गै खरा है। मिगी पूरा विश्वास है जे ए सब जानिए ग्रां आले भी मेरे आला लेखा खुश होंगन। हाँ बिल्कुल, तुस इने ग्रां आलें की जरूर दसो। सुनियो, मेरा नाम राम प्रसाद है। तुस केड़ी केड़िया ऑनलाइन सेवा मुहैया कराई सकदिया हो? मेरे शहर गेदे बगैर क्या तुस मेरा बिजली दा बिल जमा कराई सकदिया हो? मिकी सफर करने च बड़ी तकलीफ होंदी है। हाँ बिल्कुल, तुस इन्नी दूर गए बगैर अपने बिजली दे बिल दा भुगतान इत्थुआं गै करी सकदे हो। इयां ते ए मेरे आस्तै बड़ी सहूलत आली गल होग। क्या तुस कंप्यूटर दे जरिए फसल दे बाजारें दे भाव भी सुनाई सकदिया हो? हाँ बिल्कुल, मैं कंप्यूटर पर इंटरनेट दे राए वर्तमान च फसल दे भाव भी दसी सकनी हां। ए ते बड़ी हैरानी आली गल है, क्या अस सारे इने सहूलतें गी ग्रां च भी हासिल करी सकने हां? हाँ, इंटरनेट दे राए ए सबै सूचना तुस अपने ग्रां च भी हासिल कर सकदे हो। मैं सुनिया जे अजकल इंटरनेट दी सुविधा मोबाइल फोन उपर भी उपलब्ध है, के ए सच है? हाँ रोन, ना छोड़े मोबाइल फोन, सगुआ अजकल लोग स्मार्टफोन जिया टैबलेट उपर भी इंटरनेट कनेक्शन दा उपयोग मते सारे कम्मे दे लई कर देन। ए सब सुनने च मिगी बड़ा खरा लगदा है। भला तुस मिगी कंप्यूटर, स्मार्टफोन ते टैबलेट दे बारे च सिखाई सकदे हो? बिल्कुल रोहन, बे जाओ, मैं तुसे की कंप्यूटर, स्मार्टफोन ते टैबलेट दे बारे च मता दसनी हां। आज कंप्यूटर समा के करी सकने हां? कंप्यूटर दे राए मीलो दूर रोने आले परिवार दे सदस्य ते मित्र कने जुड़ा जाए सकदा है, रेल टिकट बुक कराई जाए सकदी है, बैंक खाते च लेन देन कीता जाए सकदा है, सूचना कठिया कीती जाए सकदियां, खेड खेडे जाए सकदे न, गाने सुने जाए सकदे न ते सिनेमा पिक्चर दिखी जाए सकदी है। हुन अस कंप्यूटर ते ओदे बख बख हिस्से दे बारे च सिखने आं। प्रदर्शित कंप्यूटर दौं हिस्से च विभाजित हुंदा है, हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर ते ओदे नाल जुड़े दे सभै उपकरणे गी हार्डवेयर आखदे न। कुसै कम्मै गी पूरा करने दे लई कंप्यूटर निर्देशें दे जिन्हें समूह दा पालन करदा है उन्हें गी सॉफ्टवेयर आखदे न। तुंदा मतलब है जे स्क्रीन उपर दिखने आले सभै आइकन सॉफ्टवेयर हुंदे न? हाँ रोहन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर च प्रोग्राम हुंदे न जिंदे नाल अस खरी चाली काम करने आं। हुन असें बख बख उपकरणे दे बारे च जानना लोड़चदा जिंदे नाल कंप्यूटर बनदा है। कंप्यूटर दे त्रै हिस्से हुंदे न, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जिया एक ट्रैक्टर गी चलाने दे लई डीजल या पेट्रोल दी लोड़ होंदी है, ठीक उस्सै चाली कंप्यूटर च डाटा भरने, निर्देश ते सूचना संकलित करने, बख बख कार्य करने दे लई उपकरण दी लोड़ होंदी है। कंप्यूटर च डाटा भरने, निर्देश ते सूचना संकलित करने दे लई उपकरण दा उपयोग कीता जांदा है, उन्हें गी इनपुट डिवाइस आखदे न। इन्हां फोटोएं गी दिखो, ए किश इनपुट डिवाइस न, इंदा बरतून कंप्यूटर च हुंदी है। ए इनपुट डिवाइस इस चालीन, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, सीडी ते माइक्रोफोन। कीबोर्ड ते माउस प्राथमिक इनपुट डिवाइस न। ए बिल्कुल टाइपराइटर दे कीबोर्ड आला लेखा गे दिखदा है। हां, एदे च किश बादू बटन जरूर न। हाँ, सामान्य कीबोर्ड दे बटने दे कन्नै एदे च किश अंके ते विशेष बटन जरूर हुंदे न। भला तुस मिगी दसगे जे इने चेचे बटन दा प्रयोग किस लई कीता जांदा है? अंक बटने दी मदद कन्नै कैलकुलेटर दी आला लेखा कंप्यूटर च अंक भरे जांदे न।
नेविगेशनल बटन मार्गदर्शक बटन हुंदा है जेड़ा मॉनिटर पर पेज दिखने च सहायक हुंदा है। प्रोग्राम च पेज अप बटन विषय दे दिखने वाले भाग ते कर्सर की स्क्रीन उपर अगे बदांदा है। प्रोग्राम च पेज डाउन बटन विषय के दिखने वाले भाग ते कर्सर की स्क्रीन उपर पीछे करदा है। प्रोग्राम च ओम बटन कर्सर की विषय दे शुरू च ले जांदा है। प्रोग्राम च एंड बटन कर्सर की विषय दे खीरी लाइन च ले जांदा है। प्रोग्राम च ए त्रैने बटन संपादन बटन आखे जांदे न जेड़े कंप्यूटर च पठनीय विषय दे संशोधन करने च सहायक होंदे न। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में इंसर्ट बटन दा बरतून कुसे लेख च शब्दें की पढ़ने ते लिखावट उपर शब्दें दे पुनर्लेखन च होंदा है। डिलीट बटन लेख संपादन प्रोग्राम च एक एक करिए अक्षर सज्जी बखी मिटांदा है। बैकस्पेस बटन लेख संपादन प्रोग्राम च एक एक करिए अक्षर खब्बी बखी मिटांदा है। ए चार बटन किस काम दे लई बरते जांदे न? ए चारे बटन दिशा निर्देशक बटन खुआंदे न। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम च कर्सर की स्क्रीन उपर एठा दी बखी ले जांदा है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम च कर्सर की स्क्रीन उपर खब्बी पेठा ले जांदा है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम च कर्सर की स्क्रीन उपर सज्जी पेठा ले जांदा है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम च कर्सर की स्क्रीन उपर सज्जी बखी ले जांदा है। पला तुस F1 समा F12 तोड़ी दे बटने की दिखार दे हो। ए बटन फंक्शन बटन खुआंदे न। ए बटन कंप्यूटर पर सक्रिय प्रोग्राम दे मुताबक निर्दिष्ट कीते गए दे विशेष कार्य की निष्पादित कर देन। ज्यादातर प्रोग्राम में चो एस्केप बटन चलार दी प्रक्रिया खत्म कर देंदा है। कंट्रोल ते अल्टरनेट बटन क्रिया परिवर्तक बटन जेड़े ज्यादातर प्रोग्राम में चो विशिष्ट कार्य ते माउस दी क्रिया की या ते परिवर्तित कर दिन दिन या ते बधाई दिन दिन। विंडो बटन विंडोज ते स्टार्ट मेनू की सक्रिय कर देंदा है। ए बिल्कुल उन्या गया हुंदा है जिया के टास्क बार ते स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के ना हुंदा है। उन्हें थोड़ी असे कीबोर्ड दे बख बख बटने दे बारे च सिखिया। उन अस माउस दे बारे च सिखने आ। माउस एक निर्देशन करने वाला यंत्र है जेदी बरतून कंप्यूटर स्क्रीन पर दसने वाले विषय आइकन्स की दसने ते उन्हें की परस्पर जोड़ने च बनाने च हुंदी है। तुस दिगे जिया के माउस चलाया जांदा है उन्या के माउस चलाए जाने दी दिशा च एक लौका जनेहा तीर स्क्रीन उपर चलदा है। इस तीर की पॉइंटर राख देन। पॉइंटर दी मदद कन्ने कंप्यूटर की प्रक्रिया दे लई डाटा ते निर्देश उपलब्ध कराए जा सकदे न। माउस उपर दो बटन भी होंदे न खब्बा बटन ते सज्जा बटन। माउस दे दोने बटने दे बीच च एक घूमने वाला चक्का भी होंदा है जेदी मदद कन्ने तुस प्रलेख डॉक्यूमेंट ते वेब पेज उपर आसानी ने चलाई जा सकदे हो। ए माउस आसे कीते जा सकने वाले किश काम न। माउस दे खब्बे बटन की एक बारी दबाइए स्क्रीन उपर कुसे प्रोग्राम की चुनिया जा सकदा है। माउस दे सज्जे बटन की लगातार दो बारी क्लिक करिए कुसे प्रोग्राम दे अंदर प्रवेश कीता जा सकदा है। माउस दे सज्जे बटन की दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलो। घूमने वाला चक्का स्क्रीन उपर पेज की ऊपर नीचे खिसकाने च साड़ी सहायता करदा है। जिस चाली दाने समा पूसी कढ़ने या कंकू की पीसने च ग्राइंडर मिल एक प्रोसेसिंग मशीन वाला लेखा काम करदी है उसे चाली कंप्यूटर च ओ यंत्र जेड़ा डाटा संग्रहण ते संरक्षण की नियंत्रित कर देन ओ प्रोसेसिंग डिवाइस खुआन देन। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस कीती जांदी है। फी कंप्यूटर दी मेमोरी या रैम च संरक्षित कीती जांदी है। जिस चाली दाने समा पूसी कढ़ने या गेहूं की पीसने च ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन आला लेखा काम करदी है उसे चाली कंप्यूटर दे कन्ने परिणाम की दसने दे लई जेड़े यंत्र इस्तेमाल च लाए जांदे न उन्हें की आउटपुट यंत्र आखदे न। मॉनिटर एक बड़ा गै सामान्य आउटपुट यंत्र है। मॉनिटर स्क्रीन है जेदा प्रयोग
आउटपुट जिने शब्दे अंके ते चित्रें की दिखने च उन्दा है। मॉनिटर दो चाली दे उन्दिन कैथोड रे ट्यूब ते फ्लैट पैनल डिस्प्ले। प्रिंटर कंप्यूटर समा परंत संस्कृत डाटा लेंदा है जिसी सॉफ्ट कापी आखदे ते उसी छापिए कड्डी दिंदा है जिसी हार्ड कापी आखदे। कंप्यूटर पर दिखने वाले कुसे चित्र या लेख की सॉफ्ट कापी आखदे ते उसे दे छप्पे दे की हार्ड कापी आखदे। प्रिंटर तीन चाली दे होंदे, एक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर ते डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्पीकर एक आउटपुट यंत्र है जेदे राय अस आवाज सुनने हैं। स्पीकर ते बगैर अस गाने ते आवाज विषय वगैरह की सुनी नहीं सकते। हेडफोन कंप्यूटर कन्ने आवाज आउटपुट दिंदा है। ए स्पीकर आला लेखा दे होंदे पर इन्हें के कन्ने पर लाया जंदा है, इसलिए एक समय पर छड़ा एक गे मानू आउटपुट सुनी सकता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट यंत्र है जिसी कुसा लेख या चित्र दी फोटो की समतल स्क्रीन पर दस्या जंदा है। ज्यादातर प्रोजेक्टर दा इस्तेमाल सम्मेलने च या प्रस्तुतीकरण च हुंदा है जेदे राय प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ कन्ने दिखी सके। उन्हें थोड़ी असे कई चाली दी इनपुट प्रोसेसिंग ते आउटपुट डिवाइस दे बारे च जाने है। उन अस लोग मजेदार गतिविधि च भाग। दीदी, कंप्यूटर सारा डाटा कुत्थे कठा रखदा है? जिस चाली तुंदा दिमाग मती सारी जरूरत वाली चीजें की चेता रखने च तुंदी मदद करदा है, उस चाली कंप्यूटर डाटा किट्ठा करदा है जिसी कंप्यूटर मेमोरी आखदे ने। कंप्यूटर दी मेमोरी दो चाली दी हुंदी है, प्राथमिक अथवा मुख्य मेमोरी ते द्वितीयक मेमोरी। मुख्य प्राथमिक मेमोरी बड़ी तेज है, इसी रैम आखदे ने। एदा अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी अथवा रैम हुंदा है। कंप्यूटर दी गति रैम उपर निर्भर करदी है। डाटा ते निर्देश मुख्य मेमोरी च संचित रहंदे ने, जिथों दा ए प्रोसेस करिए रिजल्ट हासिल करने दे लई सीपीयू च परतिए प्राप्त कीते जा सकदे ने। रैम ओ मेमोरी हुंदी है जिथे सारे प्रोग्राम किट्ठे कीते जांदे ने। कंप्यूटर दी गति रैम उपर निर्भर हुंदी है। कैश मेमोरी ओ मेमोरी है जड़ी रैम दा एक हिस्सा हुंदी है ते प्रोसेसर दे बड़े नेड़े हुंदी है। एदी वरतून प्रोसेसिंग दी गति की सुधारने च कीती जांदी है। प्राथमिक मेमोरी सीमित हुंदी है, इसलिए असीमित डाटे की सुरक्षित करने दे लई द्वितीयक मेमोरी दी वरतून कीती जांदी है। कि जे कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी पर सुरक्षित डाटे की सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता, इससे करिए प्रोसेस करने दे लई पहले रैम पर ओदी नकल तैयार कीती जांदी है। एक किश डिवाइस न जेड़े द्वितीयक मेमोरी दी आला लेखा काम करदे न, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ते डीवीडी। ता एक कंप्यूटर डाटा की अपनी मेमोरी च कियां सुरक्षित करदा है? कंप्यूटर सबे सूचनाएं छड़ियां दो अंके सिफर ते एक च संचित करदा है। एक इकली बाइनरी डिजिट अर्थात एक अथवा एक सिफर की बिट आखदे न, 8 बिट्स दे ग्रुप की एक बाइट आखदे न। इस सारणी की देखो, एदे च बिट ते बाइट ते बिच सरबंध दिखदे न। जेड़ा काम पूरा करने ते हार्डवेयर की नियंत्रित करने दे लई प्रयोग कीते जांदे न, सॉफ्टवेयर खवांदे न। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स निर्देशों दा योजनाबद्ध क्रमवार समूह है जेड़ा कंप्यूटर गी निर्देशित करदे न जे के करना है ते कियां करना है। सॉफ्टवेयर दो चाली दे हुंदे न, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ते सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओ प्रोग्राम हुंदे न जेड़े उपयोग करने वाले की कंप्यूटर च विशिष्ट काम की पूरा करने च मदद करदे न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ते ओपन ऑफिस ड्रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे उदाहरण न। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओ प्रोग्राम हुंदे न जेड़े उपयोग करने वाले की कंप्यूटर च विशिष्ट काम की पूरा करने च मदद करदे न। कंप्यूटर चलाने दे लई तुसें की एक ऑपरेटिंग सिस्टम दी लोड हुंदी है जेड़ा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। गीता, ये सब किश बड़ा इंटरेस्टिंग है। आऊं पहले कदें भी कंप्यूटर नहीं चलाया दा है, क्या तुस मिकी एदे बारे च दसी सकदियां हो कि जे कंप्यूटर कियां चलाया जांदा है?
सारे शा पहले मैं तुसी की कंप्यूटर दे बख बख अंगे कने परचित करानी है। ए मॉनिटर है, ए टेलीविजन आला लेखा है, इहदे स्क्रीन उपर आउटपुट दिखाया जांदा है। ए सिस्टम बॉक्स है, इहदे च सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू हुंदा है। ए सीपीयू गै कंप्यूटर दा मुख दिमाग हुंदा है। ए कीबोर्ड ते माउस है, ए दोने इनपुट डिवाइस न जेडे राय कंप्यूटर च डाटा भरिया जांदा है। कंप्यूटर गी जोड़ने दे लई सारे शा पहले उसी मेज उपर रखो, फिर सिस्टम बॉक्स दे नेड़े गै मॉनिटर रखो। सिस्टम बॉक्स दे पिछे दा हिस्सा देखो, एदे च बख-बख डिवाइस जोड़ने दे लई खाचे बने दे न जिन्हें गी पोर्ट आखदे न। हुण इस चाली दे मॉनिटर सिस्टम कन्ने जोड़िया जांदा है। सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट की BGA पोर्ट आखदे न। एदे ने मॉनिटर गी जोड़ने आले तार गी VGA केबल आखदे न। VGA केबल दे एक सिरे की सिस्टम दे BGA पोर्ट कन्ने ते दुए की मॉनिटर कन्ने जोड़े जांदा है। कीबोर्ड दो चाली दे कनेक्टर आले हुंदे न, PS दो कनेक्टर ते USB कनेक्टर। कीबोर्ड की कनेक्ट करने दे लई ओदे कनेक्टर की सिस्टम दे उपयुक्त पोर्ट कन्ने जोड़े जांदा है। माउस तीन चाली दे कनेक्टर हुंदे न, PS टू कनेक्टर, USB कनेक्टर ते सीरियल कनेक्टर। माउस की कनेक्ट करने दे लई ओदे कनेक्टर की सिस्टम दे उपयुक्त हिस्से कन्ने जोड़िया जांदा है। उसे चाली जेकर तुस प्रिंटर की जोड़ना चाहंदे हो ता ओदे कनेक्टर जेड़े इने दो में चा कुसे एक चाले दा हो सकदा है, समानांतर पोर्ट ते USB पोर्ट की सिस्टम दे उपयुक्त पोर्ट कन्ने जोड़ी दियो। धन्यवाद गीता। हुण अस कंप्यूटर की बिजली दे मेन बोर्ड कन्ने कियां जोड़ी सकने आ? कंप्यूटर दो बिजली सप्लाई दी तारें दे कन्ने आंदा है। एक बिजली सप्लाई तार गी सिस्टम यूनिट दे बिजली सप्लाई प्लग च ते दुए तार गी मॉनिटर दे पोर्ट कन्ने प्लग करो। ओदे मगरा दोने तारें गी बिजली दे बोर्ड कन्ने या UPS कन्ने जोड़ो। क्या तुस मिगी दस्सी सकदियां हो जे कंप्यूटर गी कियां जोड़दे न? बिल्कुल, कंप्यूटर चालू करने दे लई हेठ लिखी दी कारवाईयें दा पालन करो। पहले सिस्टम यूनिट ते मॉनिटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करो। सिस्टम यूनिट दा पावर बटन दबाइए उसी चालू करो ते मॉनिटर दा पावर बटन दबाइए उसी चालू करो। किस चिर इंतजार करो ते देखो जे मॉनिटर पर डिस्प्ले आन लगा है, इसी बूट स्क्रीन आख देन, बल्ले बल्ले सब सॉफ्टवेयर लोड होई जांगन ता कंप्यूटर इस्तेमाल दे लई तैयार है। धन्यवाद गीता, पहली बारी ना छड़ा कंप्यूटर की दिखाया है कन्ने गए उसे चालू करना भी सिखाया है। हाँ, कंप्यूटर दे विषय च ये सब दसने दे लई धन्यवाद दीदी। पर तुस हुन असें की मोबाइल फोन ते टैबलेट दे बारे च भी दसी देगी? बिल्कुल रोहन, मैं तुही सिखागी जे मोबाइल फोन ते टैबलेट किया चल देन। हाँ, मैं भी इन्हें चीजें दे बारे चे सीखना चाहना। पहले अस मोबाइल फोन ते टैबलेट दे बख-बख अंगे ओदे कम्मे ते उपयोगे दे बारे च जानने आ। जिया तुस जानदे हो जे बेसिक मोबाइल फोन एक नया यंत्र हुंदा है जेदे उपर तुस कॉल कर सकदे हो, कॉल प्राप्त कर सकदे हो, मैसेज लिखिए भेजी सकदे हो ते प्राप्त कर सकदे हो। आधुनिक मोबाइल फोने पर कई चाली दी विशेषता हुंदियां जियां के इंटरनेट, खेड, कैमरा, वीडियो गेम ते मार्गदर्शन प्रणाली। ए फोन स्मार्टफोन खुआंदे न। किश मोबाइल फोन च दो दो सिम कार्ड कट्ठे गै फिट हो जांदे न, इन्हें गी ड्यूल सिम फोन आखदे न। फोन दे बख-बख अंगे गी दिखो। गीता, क्या तुस मिगी दस्सी सकदियां हो जे फोन च सिम ते बैटरी कियां लाई जांदी है? बिल्कुल, बस एट दित्ती दी प्रक्रियाएं दा पालन करो। पहले फोन गी स्विच ऑफ कर दियो ते पिछे दा कवर कड्डी दियो। ओदे मगरा फोन दी बैटरी कड्डी दियो। सिम खांचे च सिम पाओ। खीर च बैटरी व कवर परतिया लाई दियो ते फोन गी चालू करो। धन्यवाद गीता, मिकी फोन दी बैटरी चार्ज करने च भी मुश्किल हुंदी है।
चिंता नहीं करो, बस इन्हें प्रक्रियाएं दा अनुसरण करो। पहला, चार्जर की दीवार पर बिजली दे बोर्ड चलाओ, ते चार्जर की फोन चलाओ। किस समय जेले मोबाइल बैटरी फुल दसे, ता पहले चार्जर की फोन समा कड्डो ते फिर दीवार समा कड्डो। मैं तुसें की सिखानी आ जे फोन दे बटने की लॉक ते अनलॉक कियां कीता जांदा है। असें की बटने की लॉक कैं करना लोड़चदा? चाचा, जेले तुस लंबे समय तोड़ी फोन दे इस्तेमाल नहीं करार दियो, ता उसी लॉक करिए रखना खरा हुंदा है। एदी ए प्रक्रिया है। फोन लॉक करने दे सिलेक्ट मेनू पर जाइए ते स्टार बटन दबाओ। उने लॉक कियां खुलग? इसी खोलने दे लई फोन दा अनलॉक बटन दबाइए ते फिर स्टार बटन दबाओ। मेरे कोल ए नया मोबाइल है ते मिगी ए थोड़ी नहीं पता जे एदी खूबियां किन। तुस अपने मोबाइल दी खूबियां दिखने दे लई पहले मेन्यू आइकन उपर छुओ या मेन्यू बटन दबाओ, जेदे ने फोन दे सारे फीचर नजर आउन लगी पोंगन। ते पीछे जाने दे लई पीछे आइकन गी छुओ या बटन गी दबाओ। परतिये शुरू च ले जाने दे लई होम आइकन गी छुओ या बटन दबाओ। बेसिक फोन या टच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने दे लई निम्न प्रक्रिया अपनाओ। बेसिक फोन दे लई पहले मेनू चुनो फी सेटिंग, फी टोन चुनो, फी खिसकिए रिंग टोन पर जाओ, फी गैलरी खोलने दे लई खिसकिए गैलरी पर जाओ, जिथे पर कई रिंग टोने दी सूची नजर आओ। उन तुस अपनी इच्छा अनुसार टोन दा चयन कर सकते हो। टच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने दी प्रक्रिया, पहले होम आइकन गी छुओ, फी मेनू आइकन गी छुओ, फी पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स आइकन गी छुओ, फी सेटिंग आइकन गी छुओ, फी प्रोफाइल सेटिंग आइकन गी छुओ, ते रिंग टोन या नोटिफिकेशन रिंग टोन आइकन गी छुओ। ता रिंग टोन दी सूची च खिसकिए अपनी मर्जी दे मुताबक रिंग टोन चुनो। ता ठीक, ओके, आइकन गी छुओ। मैं अपने फोन च अलार्म सेट करना चाहना, क्या बडले सवेला अलार्म सेट करने च तुस मेरी मदद करी सकदी हो? इस चाली दी प्रक्रिया की तुस आपू कर सकदे हो। बेसिक फोन दे लई पहले मेनू च अन उपयोग चुनो, फी अलार्म घड़ी, ओदे मगरा अलार्म दा समा सेट करिए सेव चुनो। जेकर तुस अलार्म गी दोहराना चाहंदे हो ता चयन दे विकल्प च या दोहराना, फी दिने दा चयन करिए संपन्न चुनो। टच स्क्रीन फोन च निम्न प्रक्रिया अपनाओ, पहले मेनू गी छुओ, फी घड़ी गी छुओ, फी अलार्म गी छुओ, अलार्म दा समा सेट करिए सेव चुनो। दीदी, भला तुस असेंगी टैबलेट दे बारे च दसी सकदे हो? हाँ जरूर, मैं उन्हें दसने आली ही। टैबलेट एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जेड़ा एक स्मार्टफोन अथवा एक लैपटॉप अथवा कंप्यूटर आला लेखा है। आजकल टैबलेट अपने सुविधाजनक आकार ते फीचर दे सरल उपयोग दे कारण गै बड़ा लोकप्रिय होआरदा है। इंदी बरतून अस इंटरनेट उपर ब्राउजर मेल चेक करना, डाउनलोड ते किताबें पढ़ना, खेड खेडना, वीडियो दिखने दे अलावा संगठक दे रूप च कीता जांदा है। टैबलेट बक बक चाली दे हुंदे न, इत्थे किश गैन। बुकलेट टैबलेट पीसी दा सारे शा सरलतम रूप है जेड़ा किताब आला लेखा नजर आंदा है। इस डिवाइस दे दोने बखी डिस्प्ले हुंदा है ते एदी कार्यप्रणाली दोने बखी छूने कने काम करदी है। ए हत्थे दे लेखन की पंछानने आला सॉफ्टवेयर हुंदा है जेड़ा तुसें की स्क्रीन उपर उइयां गै लिखने दी अनुमति दिंदा है जियां गै तुस पेपर उपर लिखी सकदे हो। स्लेट सारे शा साधारण ते सारे शा ज्यादा पाए जाने आला टैबलेट पीसी है जेड़ा ज्यादातर मनोरंजन दे लई, फिल्म दिखने दे लई, इंटरनेट चलाने दे लई, वीडियो दिखने, वीडियो कॉल करने ते दोस्तें दे कन्ने चैट करने दे लई इस्तेमाल कीता जांदा है। कन्वर्टिबल टैबलेट लगभग पारंपरिक लैपटॉप आले लेखा गै हुंदे न। इंदे च बस एक बड़ा फर्क ए हुंदा है जे इंदे च टच स्क्रीन डिस्प्ले हुंदा है जिसी 180 डिग्री तोड़ी घुमाया जाई सकदा है।
हाइब्रिड टैबलेट चो स्लेट ते कन्वर्टिबल टैबलेट दोने दे सारे शा बड़ी विशेषता मिली दिया हुंदियां। हाइब्रिड टैबलेट बख होई सकने आली कीबोर्ड दे कन्ने आंदे न जेड़े के दिते गेदे स्लॉट दे राए स्लेट पीसी चो जोड़िए टैबलेट पीसी च बदले जा सकदे न। एक रगड़ टैबलेट उन उपयोगकर्ताएं दे लई खरी है जेड़ी कठिन वातावरण परिस्थितियों च काम करदे न। इंदे अंदर दी की हार्ड ड्राइव चटके की सहन करने वाली ते इंदा सुरक्षात्मक कवच इन्हें की काफी टिकाऊ बनांदा है। ए एक गल तुंदे लई ध्यान च रखनी बड़ी जरूरी है जे पहली बारी इंदा उपयोग करने समां पहले इंदी बैटरी की कट समां कट 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिदा जबकि बैटरी पूर्ण रूप कन्नै चार्ज नहीं होई जा। अस बैटरी कियां चार्ज करने हैं? इन्हें चरणे दा अनुसरण करो। पहले केबल की चार्जर हेड च लाओ ते प्लग की स्टैंडर्ड एसी पावर च लाई देओ। डिवाइस अपने आप चार्ज होन लगदी है। डिवाइस ते पूरा चार्ज होने दे मगरा चार्जर की प्लग कन्नै अटाई देना लोड़चदा। डिवाइस च ऊर्जा संरक्षण हेतु पावर सेव बटन की दबाई है स्क्रीन की बंद कीता जांदा है। स्क्रीन की परती चालू करने दे लई ए प्रक्रिया परती दोहराओ। डिवाइस की बंद करने दा सही तरीका के है? जेले तुसें की डिवाइस बंद करनी होवे ता इठले चरणे दा पालन करो। पहले पावर बटन की किस चिरे लई दबाई रखो फिर टेबलेट की बंद करने दे लई मेनू खुलने पर नजर आओ फिर पावर ऑफ पर टच करिए डिवाइस की बंद करो। होम स्क्रीन एप्लीकेशन फंक्शन मेनू दे लई स्टार्टिंग पॉइंट है। तुस अपनी होम स्क्रीन की एप्लीकेशन आइकन्स शॉर्टकट फोल्डर की जोड़िए कस्टमाइज कर सकते हो। स्क्रीन दा खब्बे ते सज्जे खिसकाए जाना दसना टैबलेट दी बादू विशेषताएं दसदे न। ते तुसे सिखिया जे किया लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन ते टैबलेट की इस्तेमाल करदे न उन अस इस प्रक्रिया च हिस्सा लैने आं।